हैं, रोज डालमा खा खा करके और खम्बा आलू खा खा कर और बल्ला भजा तो खा खा जगन्नाथ जी मोटे हो रहे हैं जगन्नाथ जी। इसलिए आज हम एकादशी का दिन प्रभु जी घर में सत्संग हो रही है और जो एकादशी है वैष्णव लोग के लिए कद विशेष करके वैष्णव का चार निष्ठा होनी चाहिए। कितना निष्ठा होनी चाहिए, जोर जोर से बोलो, चार निष्ठा। वैष्णव हर वैष्णव का ये चार निष्ठा होनी चाहिए, कहते जो भक्त मात्र से ही ये चार ही काम उनको जरूर पालन करनी चाहिए, तब तो हम भक्त कहलाएंगे हैं। पहला जो निष्ठा है एकादशी, क्योंकि जो वैष्णव लोग है वो और कोई व्रत को पालन नहीं करते, कोई सोम कोई मंगल कोई बुध कोई बृहस्पति, वैष्णव लोग और किसी व्रत को पालन नहीं करते, केवल श्री एकादशी व्रत को ही हम पालन करते हैं। जैसे सत्य युग में था ध्यान, त्रेता युग में था यज्ञ, द्वापर युग में परिचर्या है, कष्ट करते थे, लेकिन कलि युग में किया एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी है, हैं एक एकादशी 15 दिन। अगर ये एकादशी को कोई करे ना कभी जमपुर नहीं जाएंगे। देखो आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले एक समय क्या हुआ, कुछ गाँव के लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, हठात देखा उसी गांव में एक व्यक्ति मर गया था, हठात देखा वो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ, सब लोग डर गए, तो मर गया था, ये भूत बन करके आ गया, सब लोग भागना शुरू हो गया। मरे हुए व्यक्ति अगर कहीं सामने देखोगे डर जाओगे कि नहीं, तो उन्हें भैया डरने का बात नहीं, बैठे बैठे बोले भैया तू तो मर गया था जिंदा कैसे हो गया, बोले मैं जमदूत बन गया। क्या बन गया, जमदूत बन गया। बोले भैया जमदूत क्यों बना, जमदूत कौन बनता है, बोले भगवान मेरे को इंसान का जीवन दिया, इंसान का जीवन बड़े भाग्य से ये इंसान का जीवन मिलता है। कहते 84,00,000 भ्रम के ये नरतनु देही, 84,00,000 जन्म के बाद में एक बार मानव शरीर भगवान देते, बारंबार जीवन नहीं मिलता, लेकिन भगवान क्यों ये जीवन दिया, ये जीवन का केवल एक ही काम के लिए दिया। कहते आए थे हरि भजन को वोट न लगे कपास, मातृगर्भ में जब जीव बड़ा कष्ट होता है, हैं टाटी पेशाब का पेट में रहते हैं, भगवान से पुकारते हैं, बोले प्रभु हमें जन्म दो, ये नरक से निकालो, भगवान बोले क्या करोगे, बोले प्रभु मैं समझ गया संसार में कोई किसका नहीं, झूठा संसार है, हाँ जिन पति पत्नी के लिए मैंने जिंदगी भर किया है वो कहाँ, वो पति कहाँ, वो पत्नी बच्चे हैं, कभी ये कर्म का फल तो हमें अकेला ही लेना पड़ रहा है, इसलिए संसार में कोई किसका है ही नहीं, इसलिए एक बार जन्म दे दो, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा तेरे भजन करूंगा। हम लोगों ने यही कसम खा करके आए ठाकुर जी से हैं, लेकिन यहाँ आकर के जो काम के लिए आए थे वो काम तो किया नहीं, और जो नहीं के लिए करने के लिए आए थे उसके पीछे हम दिन भर लगे पड़े हुए हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य भजन करना, भक्ति के लिए भगवान ने दिया, इसलिए तब यहाँ पर कहते हैं उसको इंसान का जीवन तो दिया है मेरे को, लेकिन जो करना नहीं चाहिए था ना उसको तो मैंने किया, और जो करना चाहिए था उसको मैंने नहीं किया। बोले क्या नहीं किया, बोले प्रभु का भजन नहीं किया, और भजन नहीं कर गया तो कहाँ जाएगा, बोले नरक जाएगा, कहाँ जाएगा नरक। इसलिए मेरे को भगवान ने 100 बार इंसान का जीवन दिया, 100 बार चांस दिया भजन के लिए, लेकिन ये इंसान का जीवन पा करके मैंने प्रभु की भजन नहीं की तो 100 बार मेरे को नरक जाना पड़ा। जब मैंने 100 बार नरक गया, जब महाराज ने देखा लगता है भैया ये नरक का तो बड़े प्रेमी है, नरक का बड़ा प्रेमी है, 100 बार भजन नहीं किया 100 बार नरक आया, नरक का बड़ा प्रेमी। बोले भैया जैसे कोई व्यक्ति अगर एक जगह पर 100-100 बार जाए क्या होता है, वहां की सारे विषय पर जानकारी हो जाता है, जानकारी हो जाता ना 100 बार कहीं अगर जाएगा, इसलिए कौन सा पाप करने पर कौन नरक का, कौन सा पाप करने पर कौन नरक का, 100 बार आया नहीं यहाँ पर उसको अच्छे तरह से जानकारी हो गया नरक का, बोले उसको जमदूत बना दो। क्या बना दो, जमदूत। इसलिए मेरे को जमदूत बना दिया, बड़ा कठिन जीवन है, क्योंकि दूसरों को कष्ट देते हैं ना, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट देने पर जो कोई रोता है बिलखता है छटपटा कष्ट होता है कि नहीं, दूसरों को दुख दे करके, बोले बड़ा कठिनमय जीवन है, बड़ा कष्ट जीवन जमदूत है। हाँ बोले जमदूत बन गया, बोले हाँ, बोले एक बात बता सकते हो, ध्यान देकर सुनो, बोले एक बात बता सकते हो, तेरे को ये भी पता होगा क्या नहीं करने पर, क्या करने पर कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, तू तो तेरे को अच्छे तरह से पता होगा। बोले हाँ पता है, बोले बता दो।
क्या करना चाहिए जो नरक जाना नहीं पड़ा। वो जमदूत कहता है अगर कोई एकादशी व्रत कोई ग्रहण करेगा ना, कोई अगर एकादशी व्रत करेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा, स्वयं उन्होंने बताया। ये कल्याण में ये पत्रिका में ये आया था, अगर जो एकादशी व्रत करेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि जो एकादशी है कहते माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर बारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो कोला है। इसलिए जो एकादशी तिथि किसका तिथि, भगवान का तिथि है, ठाकुर जी की तिथि है। जैसे सोमवार किसके लिए, सोमवार शंकर जी के लिए, मंगलवार हनुमान जी के लिए, बुधवार गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार लक्ष्मी देवी के लिए है, अलग अलग एक व्रत है। लेकिन एकादशी व्रत किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए, नारायण के लिए एकादशी है। इसलिए बताओ कितने देवता को खुश करोगे, एक को खुश करा दूसरे मुंह पर बढ़ जाएगा। अब जगत में किसी को मना नहीं सकता हूँ, किसी को भी कहीं कुछ ना कुछ उसमें खोद निकालेंगे ही हैं। बोले एक समय शंकर पार्वती जा रहे थे और इनका जो वाहन कौन है, शंकर का वाहन कौन है बताओ, नंदी। जब उसको पर बैठ कर जा रहे थे शंकर पार्वती, एक गांव आ गया, लोग तो टोटी करना, बोले बूढ़ा बूढ़ी का कोई अक्ल है, एक बूढ़े बैल के ऊपर में है, दोनों मस्त मस्तानी बनकर बैठ गए, इनका कष्ट नहीं देख रहे बूढ़ो बूढ़ी है, अक्ल नहीं है। जब गांव पार हो गए ना, इतने में शंकर जी ने बोला देखा पार्वती क्या बोल रहे थे है, कैसे हमको गाली दे रहे थे, एक बूढ़े बैल के ऊपर दोनों बैठ गए, बोले उतर जा, उतर गए। जब उतर गए बोले पार्वती को, बोले पार्वती तू बैठ जा, स्त्री है तू बैठ जा, मैं नीचे चलते हुए जाऊंगा। दूसरा गांव आया, बोले देखो कैसे कलयुग आ गया, मस्तानी जैसे बैठी हुई और ये बूढ़े को पीछे से भगा धोगा ले जा रहा, कोई शर्म फर्म है कि नहीं कलयुग में है, मस्तानी जैसे बैठी करके आराम से जा रहे। इतने में पार्वती बोले नहीं बैठूंगा, अब देखा किसे मेरे को बोल रहे थे, पार्वती उतर बोले आप भी बैठ जा, बैठ जा। तीसरा गांव आया, बोले देखो ये बूढ़े को कोई अकल है, बूढ़े तो खुद बैठ कर जा रहे हैं और बूढ़ी को पीछे पीछे भगाते हुए जा रहा है। शंकर जी बोले तू देख लिया क्या बोल रहे थे, मैं नहीं बैठूंगा मैं उतर जाऊंगा, बोले चल दोनों ही चलते हुए जाएंगे। चौथा गांव आ गया, बोले देखो जगत में ऐसे कोई बेवकूफ होगा, बहान रहते हुए कोई पैदल जाते हैं कोई। शंकर पार्वती तो सर पकड़ कर बैठ गए, बोले हे भगवान जगत में किसी को भी तुम खुश नहीं कर सकते हो है, खुश नहीं कर। इसलिए जगत में 33 करोड़ देवता, एक को मनाओगे दूसरे मुंह फुलाकर तीसरा मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, इसलिए कितने को मनाओगे। लेकिन कृष्ण ऐसे का ठाकुर है ना, बोले जा पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान कृष्ण का तुमने एकादशी व्रत रख लिया ना, जितने 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाएंगे, सबके सब खुश हो जाएंगे। अगर तुमने एकादशी व्रत नहीं रखा, सोम रख रहे हो, मंगल रख रहे हो, बहुत सारा दुनिया रख रहे हो, कोई काम में आने वाले नहीं। सब रावण सबको खुश किया था लेकिन एक प्रभु राम को खुश नहीं कर पाया तो सब लंका जल कर राख हो गया। इसलिए कोई व्रत रखने का जरूरत नहीं, एक व्रत रखो 15 दिन में। कौन सा व्रत है, एकादशी। बोले कैसे रखनी चाहिए, बोले जतन पालन करो व्रत को, जतन से पालन करो प्रेम। जो जतन से पालन करा मतलब क्या, बोले आज का दिन जैसे थोड़ी सी ठाकुर को जैसे सजाते हो, थोड़ी सी फूल फूल ला करके ठाकुर को अच्छे तरह सजाओ, ठाकुर को जो ठाकुर जी के लिए अच्छे थोड़ा प्रसाद बनाओ, लेकिन हम खुद नहीं खानी चाहिए अन्न दाल सब्जी उसको, क्योंकि देखना दूसरे दिन क्या होता है, जैसे पनीर का सब्जी बन रहे हैं, क्या क्या बोले शाही पनीर बन रहे, पहले तो इच्छा हो गया खाने की, मजा आ जाएगा शाही पनीर, मतलब खाने के लिए पहले मन चला गया। लेकिन एकादशी का दिन कोई चीज बने ना बढ़िया से, जानते ना आज खा नहीं पाएंगे, आज चलेगा नहीं खा नहीं पाएंगे, बोले नहीं आज ठाकुर जी के लिए बन रहा। इसलिए नियम हम तो खुद एकादशी व्रत रखेंगे, फल मुल खा के, लेकिन ठाकुर जी के लिए अच्छे के बनाने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु नवद्वीप में रहते हुए लीला उन्होंने करके दिखाया। इसलिए आज का दिन क्या करो, थोड़ी सी जितना हरिनाम करते ज्यादा थोड़ा हरिनाम करो, थोड़ी सी घर में बैठो, बैठ कर थोड़ा हरि कीर्तन करो, सबके सब हरि कीर्तन करो, माला थोड़ी ज्यादा करो, ठाकुर का भजन पूजा थोड़ी सी ज्यादा करो, ठीक है ना। और जतन पालन करनी चाहिए कल ये एकादशी को। इसलिए पहला निष्ठा एकादशी निष्ठा, बोले दूसरी निष्ठा क्या है,
बोले जो दूसरी निष्ठा कलयुग में भगवान की नाम निष्ठा है, हैं? महाप्रभु बोले ना दो काम करो, एक नाम संकीर्तन वैष्णव सेवर, दुई कर शीघ्र भावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु कहते हैं दो काम कर लो, पास भगवत भगवान अपने आप मिल जाएंगे। बोले एक तो भक्तों का सेवा करो और क्या करो, भगवान का नाम जप करो। हैं? भक्तों का सेवा करने से क्या होता है, कहते भगवान का जो निवास भक्तों के हृदय में, भगवान कहते साधव हृदय मूल्यम साधु नाम हृदय, साधु का हृदय में मेरे हृदय में साधु रहते हैं। जब हम संतों की सेवा करते हैं फिर संत खुश हो गए तो ठाकुर अपने आप खुश हो जाते हैं, ठाकुर जी अपने आप ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में ही भगवान का निवास। इसलिए महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन हो रहा था ना, इसलिए जो सही सही नहीं मार्जन कर रहा था, जो कामचोर कुछ होते हैं ना, कामचोर जानते हो, कुछ लोग कामचोर होते हैं, वो ठीक ठीक साफ नहीं कर रहे थे। महाप्रभु बोले देखो कौन कितना मंदिर साफ किया, धूल को इकट्ठे करो, वो धूल से ही पता चलेगा कौन कितना सेवा कर रहा था। मंदिर साफ कर रहे थे हैं, जिसका कम धूल हो रहा था ना, बोले तुमको दंड मिलेगा। भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया है, क्या है, बोले सारे संतों की सेवा करो, वैष्णव सेवा करो सबको। इसका मतलब क्या है, देखो इस चीज को समझो, कहते मंदिर साफ मतलब होता है जो व्यक्ति भगवान की भजन को ठीक ठीक से नहीं कर रहा है, ठाकुर जी की भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़े काम चोर है। भले ही दूसरा संसार के काम तुम बढ़िया बढ़िया संसार के काम कर रहे हो बढ़िया करके, लेकिन तुम भगवान के भजन नहीं कर रहे हो ना, सब जीरो ही। कहते ये सबसे बड़े काम चोर है जो भगवान की भजन नहीं करता। अगर जीवन में कुछ भी नहीं करते हो लेकिन प्रभु की भक्ति अगर तुमने कर लिया तो सब हो गया। बताओ मीरा ने क्या काम किया था जो दुनिया में जिसके डंका बज रही है, हनुमान जी जगत में कौन सा काम किया है जो कि सारा दुनिया में जय जयकार हो रहे हैं, तुलसीदास ने इसे क्या काम किया था जो दुनिया में अमर हो गए, ध्रुव प्रहलाद ने इसे कौन सा काम किया है जिनकी अमर कथा भागवत में जिनके नाम आते हैं, भगवान का भजन किया था। इसलिए अगर दुनिया के तुम कुछ भी नहीं किया, प्रभु की भजन अगर सही से कर लिया ना, बस तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन सारा दुनिया की काम में तुम बिजी हो, जैसे ये था ना आत्मदेव और उसका पत्नी का नाम थी धुंधुकारी, हैं? आत्मदेव और धुंधुकारी, धुंधुकारी क्या देखने में बड़ी प्यारी, संसार में बड़ी आसक्ति, दुनिया की बड़े संसार के, लेकिन प्रभु की भजन में रुचि नहीं है, भगवान की भजन में उसकी रुचि नहीं, आत्मदेव का जो पत्नी के नाम थी। इसलिए कहते वो भगवान की भक्ति में जिनकी रुचि नहीं है, इसलिए कहते इसलिए महाप्रभु बोले देखो क्या करना पड़ेगा उसको, बोले सारे वैष्णव का सेवा दो, वैष्णव का सेवा दो। क्यों, जब भक्ति कब नहीं होता है, जब पूर्व जन्म का हमारी जो सुकृति है, जब हमारी सुकृति कम होना भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। देखना दूसरे चीज तीन तीन घंटा टीवी में आ जाए ना, सास बहू की लड़ाई नहीं तो कोई सीरियल, देखना तीन तीन घंटा आग फाड़ फाड़ कर बैठे देखे नजर, लेकिन बोले 10 मिनट एक माला करने के लिए, बोले समय का मतलब क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इसका मतलब समझो, पूर्व जन्म में बड़े पाप कर्म किया है इसलिए हरि भजन ना सुहाय, उसको प्रभु की भजन उसकी अच्छी नहीं लगती, फिर क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, बोले भक्तों की सेवा करो। जब भगवान की भक्तों की सेवा करोगे भक्त जब खुश हो जाएंगे ना, सुकृति बढ़ेगी तुम्हारी, जब सुकृति बढ़ेगी फिर तुमको भजन में रुचि आएगी। इसलिए महाप्रभु कहते क्या करो, वैष्णव सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, सेवा से सुकृति बढ़ेगी, सुकृति बढ़ने पर भक्ति तुम्हारी रुचि होगी, हैं? इसलिए महाप्रभु तो वैष्णव सेवा, और दूसरा क्या, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप करो, क्योंकि अंतिम समय में तो यही आएगा ना। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है भैया जीवन में तुमको मिला तो मिला ही क्या, बोले राम रतन धन पायो, जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही मिला, जग में सब ही खोवायो, जग में सब ही खोवायो, जगत में सब गया कुछ मिला नहीं। बोले ये धन कहाँ से मिली,
बोले दी मरे सदगुरु, सदगुरु से मिला है ये धन कैसे है। बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दिन दिन बढ़त सवाई। इसको चोर चोरी करके नहीं सकता, लुटने वाले नहीं फुटने वाले नहीं, जो धन कभी बढ़ती है जो धन कभी घटती नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं बोले मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद। दुनिया मरने के लिए डरता है, डरते कि नहीं। कोरोना आया था ना, सब घर में बंद हो गया था ना, कोई बाहर निकल रहे थे बताओ? कोई निकल रहे थे बाहर? कोई नहीं निकल रहे थे। क्यों? मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। बताओ कौन मरना चाहता है? हाथ उठा। कोई नहीं, कोई चाहते हैं। लेकिन देखो वो क्या कहते हैं, कबीर कहते प्रेम में तो खुश हो रहा हूँ। कहते मैं खुश, तो पूछे भैया तू क्यों खुश हो रहे? दुनिया मरने के लिए डरते तू क्यों? तो कितना बड़ी बात कहते हैं। बोले इसलिए मरने के लिए डरते हैं, भजन नहीं किया है, प्रभु का नाम तो नहीं किया। जमदूत पकड़ कर घिसत घिसत ले जाएंगे, फिर तो बैतरणी नदी टाटी पे सब खून पी का नदी पार करेंगे, कोड़े मार मार कर। 13 दिन बाद में शुद्ध क्रिया होती है ना, 13 दिन बाद में, क्योंकि बैतरणी नदी पार करने के लिए 13 दिन लगती है। कोड़े मार मार कर उसको वो टाटी पे सब का जो ये नदी पार करना पड़ता, फिर उसको बाद में फिर नरक आएगा। जो जैसे कर्म करेगा कर्म अनुरूप नरक भोग करेगा, उसको बाद में पता नहीं चंद्र लोक में भेजेंगे, फिर उसको बाद में कोई फल का आश्रय ग्रहण करते हुए फिर किसी व्यक्ति के हृदय में बीज रूप में आता है, फिर उसको बाद में पशु पक्षी ना कीड़े मकोड़े क्या होगा पता ही नहीं, पता ही नहीं। इसलिए वो कहते सब डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहते, क्योंकि मरने का कष्ट बड़ा कष्ट है, है? लेकिन वो कहते मैं तो खुश हो रहा हूँ। बोले तू क्यों खुश हो रहे हो? बोले प्रभु का भजन किया ना। कहते प्रभु का नाम जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जब मैंने की, मेरे को पता है मेरे लिए VIP व्यवस्था हुई, VIP व्यवस्था हुई, क्योंकि प्रभु का मैंने भजन किया। अंतिम समय में यही धनी साथ में जाने वाले हैं और कोई धन हमारे साथ में जाने वाले नहीं हैं। इसलिए महाप्रभु के दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, एक भगवान का नाम एक वैष्णव सेवा कर है। इसलिए तीसरी जो निष्ठा है कहते भगवान की सेवा की निष्ठा है। ठाकुर को घर में हर घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए, ठाकुर जी की घर में अच्छे तरह से, जो जितने अच्छे तरह से ठाकुर को पूजा करेगा ठाकुर का आशीर्वाद से हम संसार में सुखी रह सकते हैं। इसलिए विश्वनाथ चकुठर उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजा दो, अच्छे तरह सजाओ है, शीशा को सामने खड़े हो जाओ। वो देखे ना ये शरीर को जैसे सजाओगे ना परछाई वैसे सज जाएगी, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं होता है, जरूरत होता है केवल अपना शरीर को सजा दो, शीशा को सामने खड़े हो कैसे दिखेगा? जैसे सजाया वैसे ही तुम दिखेगे। इसलिए कहते मूल कौन है? ठाकुर जी। ठाकुर जी की सेवा पूजा भक्ति करेंगे, ठाकुर जी खुश रहेंगे तो हम भी जीवन में खुश रहेंगे। अगर ठाकुर जी खुश नहीं रहेंगे हम कैसे खुश रह सकते हैं? इसलिए ठाकुर जी को अच्छे तरह से सेवा पूजा ठाकुर की होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो चौथा जो निष्ठा है कहते तुलसी निष्ठा है, तुलसी निष्ठा। इसलिए घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए, तुलसी में भगवान का निवास है। भगवान जब संसार छोड़कर गए तुलसी में रख कर गए, तुलसी में भगवान की निवास है। इसलिए तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए गले में सभी की तुलसी कंठी होनी चाहिए, ठीक है ना, है कि नहीं? यहाँ पर सब पालतू लग रहा है। इसलिए जब महाराज बोले जमदूतों को, बोले देखो जो भजन नहीं करते है ना उनको पकड़ करके घिसेड़ते हुए मेरे पास में ले आएंगे। जमदूतों को बोले, बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले जैसे कोई सदवास थे, हम पता कैसे चलता तुम सदवा हो? सिंदूर लगाए, मांग भरते हो, नाक में बेसर चूड़िया पे है ना, पता चलता है ये सदवा। कहते उसी तरह जगत का पति के लिए, दो दिन के पति के लिए इतने श्रृंगार हम करते हैं, लेकिन पति का जो पति जो परम पति जो भगवान है उसके लिए क्या लक्षण है तुम्हारे पास? कहते गले में तुलसी की कंठी ये तिलक। इसलिए कहते उर्ध पुंड धर्मर्थ ब्रियत जत्र कुत्र ची। पुराण कहता है अगर कोई उर्ध पुंड धारण करते हुए कहीं भी मरेगा बोले सुपाकस्त वो अगर चंडाल क्यों नहीं हो मम लोक महियते वो मेरे धाम में आएगा। और कोई ये तिलक धारण करता है और गले में तुलसी की कंठी जो धारण करता है, जब महाराज कहते हैं, हैं कहते दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं? अरे बोलो जोर से, एक पालतू एक फालतू है। बोले पता कैसे चलेगा ये पालतू है? देखना जो घर में कुत्ते रहते ना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है ना, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते है। और जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं वो फालतू है, फालतू है ना। कहते हैं ना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ता है।
इसलिए अगर गले में तुलसी कंठी हो तो हम किसके पालतू है, ठाकुर जी के पालतू, ठीक है ना। गले में तुलसी कंठी और गले में तिलक लगाओ, ठीक है। अब जो माताएं जो बैठो सब गले में कंठी पहनना, ठीक है। तिलक लगा, जैसे देखो सब तिलक धर लगाए गले में कंठी में, तब भगवान के नाम जप करो, ठीक है। माता जी माला करती हो नहीं करती हो, और तुम करती हो नहीं करती हो, माला है तुम्हारे पास में है, और किसको भजन है माला तुम्हारे पास में, नहीं माला नहीं चाहो अच्छी था इधर, हाँ इसलिए एक एक माला दे जाऊंगा, माला करना, ठीक है। और मंदिर में भी आना, अभी मंदिर में भागवत कथा हो रही है, हमारे जानते हो मंदिर में कभी आती कि नहीं, आज एकादशी, एकादशी व्रत रखी हो, एकादशी व्रत नहीं रखा मतलब सब जीरो तुम्हारी, सबेरे कुछ खा लिया, अरे बोलो कुछ खाए कि नहीं, हाँ आज खाए नहीं ना, आज व्रत रखा करो, ठीक है ना। हाँ जैसे नवरात्रि में फलाहार जैसे करती हो ना, फलाहार करो, दोपहर में आज अन्न मत खाओ, अन्न में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या सब पाप रहता है, है? एकादशी का दिन जो अन्न खाएगा उसको किसी पाप से उधार नहीं मिलेगा, सब पाप से मुक्ति, लेकिन एकादशी दिन अन्न खाने से मुक्ति नहीं, ठीक है ना। सब एकादशी व्रत रखो, अगर आज अन्न नहीं खाया तो आज व्रत रख लेना, ठीक है। फल मूल अभी तो यहाँ पर आई प्रसाद मिल जाएगा, फिर रात को आ जाना मंदिर में भागवत कथा हो रही है, वहां पर प्रसाद मिल जाएगा, एकादशी का प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना। आना वहां पर, आओगे कि नहीं, हाँ आ जाना, तुम आओगे आना, ठीक है, मेरे सामने बैठना, देखूंगा तुम आए हो। और कथा के बाद मैं एक माला दे दूंगा जब करने के लिए, ठीक है। लेकर के आना, हरि नाम करो और जीवन में आनंद में रहो, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, जगवंत महाराज की, उनके पुत्र परिवारों की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, गौर ब्रह्मांड हरि वंदन, जा प्रभु जी प्रसाद तैयार कर लो, जा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे।